नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ किंगस्टन की रैम, 8 GB की रैम है ये सिंगल स्लॉट। इसको अनबॉक्स कर देखते हैं। मार्केट्स में इसकी प्राइस में इसको ऑनलाइन से कम पड़ी है, सो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस इसकी ली है 2500 रुपीज़। ये 1333 MHz की रैम है। अक्सर गेम्स के अंदर हमको 8 GB की रिक्वायरमेंट रहती है रैम की, तो ये उसको मैं अपने कंप्यूटर के अंदर उसकी रैम बढ़ा रहा हूँ। इसे मैं इसको फिट करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम इसे फिट कर सकते हैं। सो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें प्रॉपरली पैक है और अपने एक जगह पे फिक्स है। इसमें दो नॉचेज़ हैं जिसमें ये आराम से फिट रहता है, हिलता नहीं है। जहाँ पर ये गोल्ड प्लेटेड आप इसके पिंस देख रहे हैं, एक तरफ से इनके नंबर ज़्यादा है, एक तरफ से कम है, तो इसी हिसाब से हम इसे मदरबोर्ड के स्लॉट के ऊपर फिट करेंगे। अक्सर मदरबोर्ड में 4 स्लॉट रहते हैं हमारे पास, तो मेरे पास ऑलरेडी 4 GB लगा है, तो मैं उसको बढ़ाकर 12 GB करूँगा। मैं आपको उसके स्टेप्स भी बता दूँगा किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी रैम इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई। सो हम पहले इसको फिट कर लेते हैं। तो ये मदरबोर्ड है, इसमें इसके स्लॉट्स हैं सामने। सो हम ये देख लीजिए, राइट के 2 स्लॉट्स हैं, उन्हें यूज़ कर रहे हैं। हम इसका नॉच को देख लेंगे और उसके अंदर जो प्रोटूटिंग पार्ट है उसको देख लेंगे, उसके हिसाब से हम इसको रैम को लगाएंगे। साइड में इसमें 2 लॉक्स हैं वाइट कलर के। जब मैं इसको सही तरीके से इसमें इंसर्ट करूँगा और प्रेस करूँगा ऊपर से, तो वो लॉक अपने आप शिफ्ट होता है। फिर भी इंश्योर करने के लिए हम उसे फिंगर से चेक कर सकते हैं कि ठीक से लॉक हुई या नहीं हुई, और फिर हम दूसरा भी स्लॉट इसमें इसी तरह से लगा लेंगे। सो दोनों स्लॉट रैम के फिट हो गए, प्रॉपरली इसे चेक कर लिया है। वायर को एडजस्ट करके मैं इसका टॉप कवर लगा देता हूँ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर माई कंप्यूटर में चले जाएंगे। जब ये एक्सप्लोरर खुल जाएगा तो द पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये न्यू डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें हमें शो हो जाएगा कि हमारी अब रैम 12 GB है। इस स्क्रीन में हम देख सकते हैं इस रैम का क्या इफेक्ट आया है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज कितनी परसेंटेज तक यूटिलाइज हो रहे हैं जब हम प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं या नेट पर सर्फिंग करते हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। हैव ए नाइस डे।